अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग मुसीबत के आने पे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होना चाहिए वैसे, लेकिन वक्ती तौर की परेशानी होती है, उसके बाद सोचना चाहिए कि मुसीबत आई क्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुसीबत उन्हीं लोगों पे मोस्टली आती है जिनको अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, नज़रों के सामने करते हैं, लेकिन उन पर कोई मुसीबत नहीं आती है। अब फिर हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि यार वो तो इतने गुनाह करता है, उस पर मुसीबत क्यों नहीं आती है, हमारे ही ऊपर क्यों आती है? इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उसी को मुसीबत देते हैं, उसी को परेशानी देते हैं। उसकी उसकी तरफ तो अल्लाह ताला की नज़रें हैं ही नहीं, उसको तो अल्लाह ताला ने ढील दे रखी है कि अपनी मर्ज़ी से जियो, तुमको जितना जीना है, जितने गुनाह करने हैं, लेकिन जिस दिन रस्सी खींचेंगे उस दिन तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो इसलिए मुसीबत आए तो मुसीबत इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला लेते हैं कि मेरा बंदा हमें कितना प्यार करता है। बहुत से लोग होते हैं उनके बहुत दर्द होता है, कहीं पे भी दर्द हो सकता है, फीवर आ जाता है, बहुत तगड़ी तगड़ी बीमारी आती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं। तो टेंशन कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये डिजीज़ उन्हीं को देता है जिनको अल्लाह ताला प्यार करता है। सपोज़ बहुत से लोग होते हैं उनको एक हाथ कट गया, तो हो सकता है कभी इंसान ने ये नहीं सोचा कि उसका हाथ क्यों कटा होगा, अल्लाह ताला ने क्यों काटा होगा। हो सकता है वो इन फ्यूचर कोई गुनाह करने वाला हो, इसलिए अल्लाह ताला ने काट दिया हो। हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट तो हर कोई ढूंढ लेता है, पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो कभी किसी के साथ क्यों बुरा करेंगे? और अगर कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें उसकी भलाई है, 100% भलाई है। कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बंदे को हर वक्त अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन अगर कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, और उसका मुकाबला शुक्र से करना चाहिए। मुसीबत भी कई तरह से खैर पर मुश्तमिल होती है कि उससे दिल को तकवियत पहुंचती है, दिल मज़बूत होता है, इंसान भी बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जिस पे कभी मुसीबत आती ही नहीं है वो तो कहाँ से स्ट्रांग होगा, वो तो झेल ही नहीं पाएगा। और जिस पे मुसीबत आती है वो फेस करता रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, गुनाह माफ़ होते हैं, और अजब व तकब्बुर की कमर टूट जाती है, मतलब तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, अल्लाह के जिक्र का शौक़ पैदा होता है कि अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो इसलिए मुसीबत में परेशान तो कतई नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला के औलिया की दुआएं हासिल होती हैं और लोगों के दिलों में आपके लिए खैर ख्वाही पैदा होती है। तो इसलिए मुसीबत परेशानी है तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला ठीक कर दीजिए। और जो भी डिजीज़ आती है ये भी नेमत होती है अल्लाह ताला की, सेहत भी अल्लाह ताला की नेमत है, और कोई डिजीज़ जो भी आती है वो भी अल्लाह ताला की नेमत है। इसलिए परेशान कतई नहीं होना चाहिए, उसमें भी फ़ायदा ही है, जितने गुनाह किए हैं वो घट जाते हैं। अगर अल्लाह ताला आखिरत दिखा दें, हम लोगों को जहन्नम में भेज रहे हो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला कहें कि तुमको हम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे जो दुनिया में हम सह चुके हैं उसका 100 गुना, लेकिन फिर तुम्हें हम जहन्नम से तुमको जहन्नम में नहीं जाने देंगे, जन्नत दे देंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? तो हम लोग उस टाइम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, ये अल्लाह ताला आई एग्री, ये होता है। तो इसलिए जो भी मुसीबत है उसमें गुनाह करते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए आता है। बहुत से लोग होते हैं नेक होते हैं, उनको तकलीफ़ें आती हैं, तो उनको इसलिए आती हैं कि अल्लाह ताला उनको किसी भी तरह की आखिरत में तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उनको दुनिया में ही थोड़ी बहुत तकलीफ़ दे देते हैं, ताकि जो भी गुनाह थोड़े बहुत हो, जिनकी माफ़ी रह गई हो, वो माफ़ी हो जाए। तो इसलिए मुसीबत के टाइम घबराना नहीं चाहिए, और उसका पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए कि ये मुसीबत आई है तो इससे क्या हो सकता है। अगर हाथ मेरा कट गया तो हो सकता है हम इससे कोई गुनाह करें, हो सकता है अल्लाह ने उस गुनाह से हमें बचाया हो, तो पॉजिटिव पॉइंट देखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।